आप सभी गेस्ट, आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत। आज हमारी इस फिल्म के लिए, ब्लेसिंग के लिए आप लोग आए हैं, अपने कीमती टाइम निकाल के तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ आए हुए कुछ लोगों को मैं, हमारे इंपा के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा जी यहाँ आए हुए हैं, जी दीपा जी, प्रोफेसर महेंद्र धारीवाल, मनोज ओझा जी, निशांत, अयुब भाई, सिकंदर खान, बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हमारी इंडस्ट्री के हैं जो हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें विश करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं। उनका हम सम्मानित करेंगे इस प्रोमो के बाद। काफ़ी काम कर चुका हूं मैं, फैंटास्टिक पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दैट इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, और उनके साथ काम करना मतलब एक इट्स एन एन्जॉयमेंट एंड फन। तो ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, सब्जेक्ट भी कुछ अलग है एंड सॉर्ट ऑफ अ फैमिली ड्रामा, लव करो या शादी, इस पर आपसे आपको पता चला होगा टाइटल से। सो आई फील दैट पीपल विल लाइक दिस फिल्म, एक पूरी फैमिली आके देख सकेगी ये फिल्म। पूरा तो एक्सपोज नहीं कर करूँगा, मेरा कैमियो है, बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन बिकॉज जयप्रकाश जी की फिल्म है तो हम ना नहीं बोलते, और उनकी एक जो हीरोइन के पिताजी हैं उनका रोल कर रहा हूँ मैं। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मैन एंड कड़क स्ट्रिक्ट किस्म के हैं, लेकिन बेटी के प्यार के लिए ही इज़ क्वाइट मतलब क्या बोलते हैं वो, इमोशनल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से पहले सब लोग इस ट्रेलर को देख लें प्रॉपरली और इसका अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। मैंने उन्होंने कहा है मुझे कि इसका सिर्फ अनाउंसमेंट है, इसके बारे में ज़्यादा हमको ब्रीफ नहीं करना है, सिर्फ ये है कि ये फिल्म का विलन है, जो थोड़ा बहुत मुझे बताया गया कि आप बता सकते हैं। ये कहानी में खलनायक का काम कर रहा है ये जो किन्नर राजा नाम है इसका, और बहुत ही धाकड़ इसकी पोजीशन है अपनी सोसाइटी में, और जब ये शूट होके आएगा तो बहुत ही चर्चा का विषय बनेगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपनी तरफ से इसमें 100% डालने की कोशिश करूंगा, इसके कैरेक्टराइजेशन में, इसके हाव भाव में, इसके चाल चलन में, इसके बोल चाल में कैरेक्टर आएगा। सब लोगों के बीच में कितना बवाल मचेगा, कितना धमाल मचेगा? बिल्कुल सबके दिमाग में ठोकर लगाएगा। लव करूं या शादी में मैं एक बिजनेसमैन हूं, हीरो का फादर हूं, और बहुत ही लविंग फादर है, अपने बच्चों से, अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, अपने बिजनेस से बहुत प्यार करता है, बहुत ही प्यारा इंसान है। उसकी लाइफ में सिर्फ दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो इसको डिस्टर्ब करती हैं और इसको लेके कहानी आगे बढ़ती है। एक तो ये है कि आज की जनरेशन और हमारी जनरेशन, पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन की जो सोच में अंतर है, उनके संस्कारों में जो फर्क है, उनके विचारों में जो फर्क है, उसकी वजह से आपसी मतभेद बढ़ते हैं, और उन मतभेदों के चलते घर में कलह होती है। इस कलह से गुजरता है और फिल्म के अंत तक पहुंचते ये एक बहुत ही ठहराव के साथ एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन देता है जो सबको एक्सेप्ट होता है, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को भी ये सॉल्यूशन पसंद आएगा। आमिर खान साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनके स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा वो हमेशा स्वस्थ रहें,
और समाज को अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे शोज देते रहे, अच्छे अच्छी फिल्में देते रहे, जो वो करते रहे। मेरे ख्याल से हम इस फिल्म की बात करें, आप थोड़ा सा बहुत अलग हो गए। समाज के लिए कैसे कर लेना पड़ेगा, लव करूं या शादी के बारे में समाज को एक संदेश है, मतलब कि हमें बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा। हम नई जनरेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, या नई जनरेशन हमको रिजेक्ट नहीं कर सकती। हमको बैलेंस लेके चलना ही पड़ेगा, हमें उनकी बात समझनी पड़ेगी और उनको हमारी बात समझनी पड़ेगी, और एक बीच का रास्ता अपना के हमको साथ साथ चलना पड़ेगा। शादियां भी नहीं टूटेंगी, शादियां भी कम टूटेंगी। वजह यही है कि हम सामने वाले को रिजेक्ट कर देते, हम स्वीकार नहीं करते, हम कहते हैं कि ये हमारी बात मानो, हमारे संस्कारों को मानो, हमारी परंपराओं को मानो। हमारी सोसाइटी में जैसे कि हमारे संस्कार हैं, जिस तरह की हमारी परंपराएं हैं, जिस तरह की संस्कृति है हमारी, उसके हिसाब से चलो। मतलब अच्छी बात है, चलना अच्छी बात है, लेकिन हमें उनकी बात भी समझनी पड़ेगी। ये लव करो या शादी एक कन्फ्यूजन है जो आजकल जनरेशन में है। लोग चाहते हैं कि वो लव भी करें जी, का स्वरूप क्या होगा, पत्नी कैसी होगी, पत्नी कम रही। हमारे पेरेंट्स हमारी शादी कर देते थे और हमको स्वीकार करते थे, और उसके बाद हम अपनी पत्नी को लव करते थे, प्यार करते थे, आगे बढ़ते। जो एक 15 साल का थिएटर का अनुभव है मेरे साथ, उसने बहुत सिखाया कैसे आप स्विच ओवर करते हैं। तो जैसे कई बार तो हम ऐसे भी करते थे कि 4 घंटे हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद 4 घंटे दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद 4 घंटे तीसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा भी समय था। तो हम स्विच करते थे, और उसके लिए मेरे अपने अपने तरीके होते हैं हर एक्टर के। मेरा अपना तरीका है, 35-40 मिनट का टाइम मुझे चाहिए होता है, और मैं घूम घूम के उस कैरेक्टर के, जो आने वाला कैरेक्टर है, उसके डायलॉग्स, उसकी सिचुएशन में जाके ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं, बुदबुदाते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, धीरे 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 हम उस कैरेक्टर की नब्ज पकड़ लेते हैं। जो लड़की सेक्रीफाइस करती है, जो दो हीरोइन की कहानी है, एक लड़की प्यार पाती है और एक प्यार सेक्रीफाइस करती है। जो सेक्रीफाइसिंग कैरेक्टर है वो मेरा है, जो मैंने प्ले किया है। और इस फिल्म में बेसिकली मैसेज है जो मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी नहीं बताना चाहूँगी, पर अच्छा मैसेज है। हमारे सर ने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पूरे यूनिट को मिला के अच्छे से, बहुत अच्छे से फिल्म बनाई गई है, और आई होप कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से अच्छी फिल्म बनाई है और पारिवारिक फिल्म है। डेफिनेटली पीपल इज गोइंग टू लाइक इट। इसकी जो शूट है टोटल यूपी में हुई है, लखनऊ, आगरा, कानपुर एंड ऑल, बट वहाँ मेरा यूपी में पहला शूट था ये, तो मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली विथ सर जयप्रकाश जी, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो बहुत आराम से, जब तक उनको मतलब सेटिस्फाइड वो नहीं होंगे कि हाँ ये सीन परफेक्ट हुआ, तब तक वो कट ही नहीं बोलेंगे, लेकिन वापस कर तो अच्छा लगा। तो इन फ्यूचर आप किस तरीके की फिल्में करना चाहेंगे? सी, मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई है। अगर आगे देखा जाए तो हम एक्टर हैं, हम तो हर टाइप के चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, चाहे स्टोरी हो या फिल्म हो या वेब सीरीज हो या कुछ भी हो, तो स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमने ये फिल्म की है, इसकी स्टोरी से ही मैं इम्प्रेस होकर हाँ बोला था मैंने, तो वैसे स्टोरी अच्छी हुई, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट। आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो इस फिल्म के बाद आने वाली हो? इसके अलावा एक और फिल्म है जो हम लोगों ने मराठी और हिंदी फिल्म की थी, कंदी गाँव करके, वो शायद से जुलाई में रिलीज होगी। ऑब्वियसली मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारी फिल्म एक फैमिलियर फिल्म है, जो शायद से अभी आज के यूथ में ऐसी फिल्में नहीं बन रही जहाँ पे आप फुल फैमिली के साथ जाके देख सको, बट मैं अपनी इस फिल्म के बारे में गारंटी दूंगी कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप पूरी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो आज के यूथ में हो रहा है, प्यार और शादी में किसको चूज़ किया जाए और कैसे होता है, क्या होता है, दोनों होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए, वो चीज़ें सारी चीज़ें दिखाई गई है, तो आप लोग जाएंगे देखेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। सो जाइए, देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। या करेक्ट, फिल्में ऐसी बननी चाहिए जो हम फैमिली के साथ जाके बिंदास देख सकें। ऐसा नहीं कि हम गए और एम्बैरेसिंग फील करेंगे, यार मैं कहाँ गई किसके साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट कमेंट्स
अच्छी बनी है फिल्म, जाइए और जाके देख लीजिए बस। लव करूं या शादी, फिलहाल पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम आकर्ष लग गया और इस फिल्म में मैं मेन लीड का करेक्टर कर रहा हूँ राहुल का, जो एक बहुत ही सिंपल फैमिली से है एंड वो किस तरीके से अपनी लाइफ में प्यार और शादी के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है फिल्म में, उसको लेके सॉर्ट आउट करता है चीज़ों को। सी वर्किंग विद ऑल दीज पीपल, जैसे हमारे गोविंद नामदेव सर हैं जो मेरे फादर का करेक्टर कर रहे हैं, अली अजहर सर हैं जो मामा का करेक्टर कर रहे हैं, इन लोग के साथ काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे अली सर के साथ ही मैं बताऊं कि उनके साथ ऐसा था कि कभी भी मैं अगर काम शूट कर रहे हैं तो हम लोग ये होता था कि सीन खत्म होने के बाद हम लोग सोचते थे एक और टेक करते, मतलब वी वर नेवर सेटिस्फाइड। तो ये चीज़ उनसे मुझे सीखने को मिली कि एक्टर शुड नेवर बी सेटिस्फाइड। आपके विजय सर हैं, विजय सर, तो उनसे मेरे को ये सीखने को मिला कि जो टाइमिंग होती है ना, एक क्या कहते हैं, कभी कोई अगर आपको जोक करना है या कोई भी एक कैरेक्टर है उसके लिए तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है एक एक्टर के लिए। एट दी प्रेजेंट टाइम अभी तो नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली मेरा फाइटर आई थी और फाइटर के बाद अब ये मेरी दूसरी फिल्म ये है जो एज अ डेब्यू फिल्म है एंड एक दो प्रोजेक्ट्स और हैं जो कि अभी लाइंड अप हैं, अभी वो रिलीजिंग के लिए। लेट्स सी। मूवी में मैं मेन लीड प्ले कर रही हूँ जिसका नाम प्रिया है और बहुत स्वीट सी सिंपल सी लड़की है जो अपनी फैमिली को काफ़ी रिस्पेक्ट देती है और उसके लिए प्यार और शादी दोनों काफ़ी ज़रूरी है। मतलब मेरा मानना है कि शादी के बाद भी प्यार होना ऑफकोर्स काफ़ी, मेरा मानना ये है कि लव होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बिना प्यार के तो शादी के बाद शादी भी नहीं टिकती। इस फिल्म के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत समय बाद एक अच्छी पारिवारिक फिल्म आ रही है जिसको आप सब लोग बेझिझक होकर अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं और इसमें हमने मॉडर्न कल्चर के साथ साथ जो हमारे मम्मी पापा के टाइम का कल्चर था उसको भी दर्शाया है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, हम लोग ने बहुत मेहनत करके बनाई है एंड प्लीज़ आप सब लोग जाके देखें। ब्रेकअप हो जाता है, शादी नहीं होती। हाँ देखिए, कई बार होता है कि फैमिली के हिसाब से भी चलना पड़ जाता है, कई लोग उसकी वजह से फंस जाते हैं कि भाई फैमिली वाले क्या कहेंगे और कई बार फैमिली वाले मना कर देते हैं तो वहाँ पे चूज करने में हो सकता है कि लोगों को दिक्कत आती हो, है ना। और मेरा तो ये मानना है कि आप फैमिली की भी सुनो, अपना भी देखो, दोनों को मिला के जो फाइनल डिसीजन मिले उसके हिसाब से आगे बढ़ो, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। बेटर है इफ़ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, आप अपने घर वालों को पहले बता दो, छुपाने की क्या जरूरत है इफ यू ट्रूली लव समवन। बहुत ही फैमिली वैल्यू वाली फिल्म है, फैमिली बॉन्ड है इस फिल्म में, फैमिली के रिलेशंस है, इंटरेक्शन है, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे फिल्म में, हीरो हीरोइन है, उनके माँ बाप है, जीजा जी है, दीदी है, मामा है, ताया है, काका है, यू नो ऐसे जो 70s 80s में आप फैमिली वाली फिल्में देखते थे, थोड़ी बहुत ऑनेस्टली टच राजश्री फिल्म्स के जैसी है एंड गाने बहुत अच्छे हैं। मेरा कैरेक्टर मामा का है, मामा जुगाड़ू मामा है, शरारती मामा है, रंगीला मामा है। मामा जो हीरो को हर वक्त सपोर्ट करता है एंड खुद भी बैचलर है और हीरो का चक्कर चलाते चलाते उसकी भी शादी हो जाती है बाद में, सो ऐसा कुछ कैरेक्टर है, मज़ा आया करने के लिए एंड आई जस्ट होप कि इट कम्स, हमने जैसे शूट किया जो सोचा है वैसे ही स्क्रीन पर आए। जिसको लव करना है लव करे, जिसको शादी करना है शादी करे, लव करके शादी करे, शादी करके लव करे, लव भी ना करे, शादी भी ना करे, कुछ ना करे, सिर्फ लव करूँ या शादी, ये फिल्म जरूर देखे बस। सर ये तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से ऐसी काफी फिल्में, इस टाइप की फिल्में बन रही है, ऐसी कुछ फिल्में, फॉर्चुनेटली मैं भी कई ऐसी फिल्मों का हिस्सा अभी बनता जा रहा हूँ मैं एंड ये मजा आता है। ये फिल्म की शूटिंग हमने आगरा में की है, कानपुर और आगरा कानपुर लखनऊ, ऐसे जो सो कॉल्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट स्मॉल टाउन्स, टू टायर सिटीज जो होती है, तो वहाँ का फील, वहाँ का लैंग्वेज, वो कलर, वो यू नो एक थोड़ा सा हट करके जो हमारा मेन स्ट्रीम जो लार्जर देन लाइफ सिनेमा होते हैं उससे रियल लाइफ कैरेक्टर्स आपको लगते हैं, कैरेक्टर्स बहुत रियल इसमें है, वो नहीं है कि कोई हीरो 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 है, हीरो है, तकलीफ होती है तो रोता भी है, चाटे भी खाता है,
उसके गाने भी है, सब कुछ करता है, सो वेरी रियल कैरेक्टर्स।